हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं खुशबू अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आज आपके साथ मूली के पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आम भाषा में मुड़ौरा भी कहा जाता है। तो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसके लिए हम सबसे पहले 2 कप मूली लेंगे। गाइस, इसे पकाने के लिए हम कुकर में 1/2 कप पानी और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर 1 सीटी तक कुक कर लेंगे, और इसका जो पानी बचा हुआ रहेगा उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आटा गूंथने के काम में आएगा। गाइस, हमने कुकर में इसे कुक कर लिया और इसको छान दिया। इसका जो पानी बचा हुआ है हम इसे साइड में रख देंगे और इसे हम आटा गूंथेंगे। अब हम 1 इंच अदरक और काली मिर्च को कूट लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पका हुआ मूली ऐड करेंगे। अब कटी हुई हरी मिर्च, कुटा हुआ अदरक काली मिर्च, कलौंजी यानी मंगरेला और हरा धनिया ऐड करेंगे। अब चावल का आटा थोड़ा थोड़ा लेकर उसे गूंथेंगे। जब आपको लगे कि इसमें पानी की जरूरत है तभी आप इसमें पानी ऐड करिएगा। अब उसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। गाइस, अगर आपका मूली 2 कप है तो आप उसमें 1 कप आटा डालिएगा। अब इसमें पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी हाथ पे लेंगे और उसे मस लेंगे। हमें एक सख्त डो तैयार करना है। आटा रेडी है, अब हम इसे 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे। अब तलने के लिए एक मोटी पेंदी वाला बर्तन लेंगे, इसे हम गर्म करेंगे। जब बर्तन गर्म हो जाए तो उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। मैं मानती हूँ मुड़ौरी सरसों का तेल में ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुड़ौरी क्या, कोई भी पकौड़ा सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी लगता है। 10-15 मिनट हो गया है, अब फ्लेम पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसकी छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। और बीच से इसे थाप लेंगे लाइक दिस। गाइस, हम देखेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा टुकड़ा लेकर ऑयल में डालेंगे। जब वह टुकड़ा ऊपर आने लगे तो तेल गर्म है। अब गैस को थोड़ा मीडियम कर लेंगे और उसमें मुड़ौरी एक एक करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
गाइस मुरौरी देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। पता है गाइस, जब ये मेरे घर में बनता है ना, तो जितना देरी से बनने में नहीं लगता उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। अब मुरौरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे परोसेंगे। परोसने के लिए एक प्लेट लेंगे और उसमें मुरौरी को निकालेंगे। साथ में ग्रीन चटनी के साथ उसे सर्व करेंगे। अगर आप चाहो तो प्याज और टमाटर की चटनी के साथ भी इसे खा सकते हो। इसका हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका ऐड कर देंगे। गाइस मुरौरी बहुत ही कुरकुरे हैं और बहुत ही लाजवाब। गाइस इसे एक बार आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। गाइस इस तरह के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको मुरौरी वाली की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।